Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 24 of Introduction to Trial Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट पे हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1-5 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है, तो यहां से हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पर एक्स एन गिवन है 1 ± 1 की पावर n। तो हमें पता है कि सीक्वेंस की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है। तो यहां पर हम इस n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो हमें इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मिलेगी। तो देखें इसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है। तो यहां पर अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1 की पावर 1, ये -1 आएगा। तो 1 - 1 ये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 0 है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये सेकंड टर्म मिलेगी। तो देखिए सेकंड टर्म क्या आती है, जब आप यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 + 1। तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो इसकी सेकंड टर्म हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1 - 1। तो 1 - 1 ये क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह इसकी फोर्थ टर्म हमारे पास 2 होती है और इसकी फिफ्थ टर्म क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि n की वैल्यू डिफरेंट पुट करेंगे। अगर आप 1 पुट करेंगे तो हमें इसकी फर्स्ट टर्म मिलेगी, अगर आप 2 पुट करेंगे तो हमें इसकी सेकंड टर्म मिलेगी, अगर आप 3 पुट करेंगे तो हमें इसकी थर्ड टर्म मिलेगी, अगर आप 4 पुट करेंगे तो हमें इसकी यानी 4 टर्म मिलेगी, और अगर आप 5 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, 5th टर्म मिलेगी। तो इस सिक्वेंस की ये 5 टर्म्स आ रही हैं। अब इसका वी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट हमें गिवन है कि एक्स एन विच इज इक्वल टू -1 की पावर n ओवर n। तो यहाँ पर आप अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म, तो देखें फर्स्ट टर्म क्या आती है, तो -1 की पावर 1 ये क्या होता है, -1 होता है, और नीचे क्या है, n है। तो n हमने यहाँ पर 1 पुट किया था, तो -1 ओवर 1 ये क्या होता है, -1। तो यहाँ पर देखें ये -1, तो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -1। इस तरह अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, सेकंड टर्म आएगी। तो -1 की पावर 2 ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 ओवर 2 ये इसकी क्या बनेगी, सेकंड टर्म बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी सेकंड टर्म है 1 ओवर 2। इसी तरह अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें इसकी थर्ड टर्म मिलेगी। तो यहाँ पर थर्ड टर्म क्या आ रही है, -1 ओवर 3 आ रही है। इस तरह इसकी फोर टर्म क्या आ रही है, ये आ रही है 1 ओवर 4, और इसकी फिफ्थ टर्म क्या आ रही है, -1 ओवर 5। तो ये इस सीक्वेंस की ये नेक्स्ट क्या है, 5 टर्म्स गिवन है। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें एक्स एन गिवन है 1 ओवर n (n+1). तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो देखें क्या आता है, ये आता है 1 ओवर 1 × 2i। देखिए 1 + 1 = 2, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 ओवर 2। देखें यहाँ पर ये 1 ओवर 2 है, ये सीक्वेंस की क्या है, फर्स्ट टर्म। इसी तरह अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो देखें क्या आता है, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 × 3 आ जाएगा। तो 2 × 3 ये हमारे पास क्या होता है, 6 होते हैं, ये बन जाएगी 1 ओवर 6। तो इसकी सेकंड टर्म क्या होती है, ये आती है 1 ओवर 6। देखें यहाँ पर अगर आप 2 पुट करेंगे 2 + 1 = 3, 3 × 2 ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 1 ओवर 12 आएगी। अगर आप फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो ये आएगी 1 ओवर 20, और अगर आप फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर 30। इसी तरह अब डी पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स एन गिवन है 1 ओवर n² + 2 गिवन है।
तो अगर आप यहाँ पर एन की वैल्यू वन पुट करते हैं, यहाँ पर हमें ये फर्स्ट टर्म मिलेगी। देखें फर्स्ट टर्म क्या आती है, दिया जाएगा स्टूडेंट्स वन का स्क्वायर वन, तो वन ओवर टू प्लस वन थ्री। तो देखें फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, वन ओवर थ्री। इसी तरह अगर आप एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये हमें इसकी सेकेंड टर्म आएगी, तो टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू सिक्स, तो ये क्या आता है स्टूडेंट सेकेंड टर्म वन ओवर सिक्स है। इस तरह अगर आप थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी वन ओवर इलेवन। देखें क्या आता है थर्ड टर्म, यानी हमें गिवन है वन ओवर एन स्क्वायर प्लस टू गिवन। तो अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पर थ्री पुट करते हैं तो देखें क्या आता है, ये थ्री का स्क्वायर नाइन, तो नाइन प्लस टू इलेवन। इसकी थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ रही है वन ओवर इलेवन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वन ओवर इलेवन है। इस तरह अगर आप इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो ये आएगी वन ओवर एटीन, और अगर आप फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो ये आएगा वन ओवर ट्वेंटी सेवन। फिफ्थ टर्म देखें तो फिफ्थ टर्म अगर आप यहाँ पर फाइंड करें तो ये फाइव का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस टू, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर वन ओवर ट्वेंटी सेवन। यही हमारे पास इसकी फिफ्थ टर्म आती है, यहाँ पर गिवन है इसकी फिफ्थ टर्म वन ओवर ट्वेंटी सेवन। तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें सीक्वेंस की कुछ टर्म्स गिवन है, ठीक है, तो इन टर्म्स को देखते हुए हमने इसकी एन टर्म फाइंड करनी है। कि इस तरह जिस तरह हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने देखा है कि यहाँ पर हमें जनरल फॉर्म गिवन थी, एन टर्म गिवन थी, तो यहाँ से हमने फर्स्ट फाइव टर्म फाइंड किए। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म गिवन है, तो इन टर्म से हमने एन टर्म फाइंड करनी है। तो देखें इस पार्ट ए की जो एन टर्म बनेगी वो हमारे पास बनेगी टू एन प्लस थ्री बनेगी। तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इस तरह कि अगर आप यहाँ पर एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आएगी। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या आती है, एन की वैल्यू वन पुट करें तो ये आ जाएगा टू प्लस थ्री, ये क्या आ जाएगा फाइव। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर पहली टर्म क्या है फाइव। इसी तरह अगर आप टू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा फोर प्लस थ्री सेवन, देखें यहाँ पर सेवन आ रहा है। इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म तो ये देखें हमारे पास क्या आती है, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स, सिक्स प्लस थ्री ये नाइन। हम ऊपर देख सकते हैं कि इसकी थर्ड टर्म क्या है, यहाँ पर नाइन है, ये नाइन है। तो इस सीक्वेंस की एन टर्म ये हमारे पास आती है ए की टू एन प्लस थ्री। इस तरह आप बी पार्ट को देखते हैं, बी पार्ट हमें गिवन है यहाँ पर सीक्वेंस वन ओवर टू वाओ, माइनस वन ओवर फोर वाओ, वन ओवर एट वाओ, माइनस वन ओवर सिक्सटीन अप टू सो। अब इस सीक्वेंस की हम एन टर्म फाइंड करेंगे, तो वो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर एक्स एन किसकी इक्वल होगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये माइनस वन की पावर एन प्लस वन ओवर टू की पावर एन होगा। यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप वन पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस वन का स्क्वायर, और आ जाएगा टू की पावर, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने वन पुट किया है तो ये टू की पावर वन आ गया। तो देखिए माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, और नीचे क्या आ जाएगा टू आ। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म में फर्स्ट यहाँ पर क्या आ रही है वन ओवर टू, देखिए यहाँ पर वन ओवर टू ही है। इसी तरह अगर आप एन की वैल्यू टू पुट करें यहाँ पर, देखिए इसकी सेकंड टर्म क्या आती है एन की वैल्यू टू पुट करने से, ये बन जाएगा माइनस वन की पावर थ्री, यहाँ पर एन प्लस वन था तो एन अगर टू हो तो टू प्लस वन थ्री बनता है, तो माइनस वन की पावर थ्री ओवर टू की पावर टू। तो माइनस वन की पावर थ्री ये क्या आता है माइनस वन आता है, और टू की पावर टू ये क्या आता है फोर। तो आप इसकी चेक कर सकते हैं इसकी सेकंड टर्म क्या है माइनस वन पर, यहाँ पर देख सकते हैं।
तो मीन इस सीक्वेंस की जो एन टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, माइनस वन की पावर एन प्लस वन ओवर टू एन। इस तरह अगर आप सी पार्ट को देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है वन बाय टू, टू बाय थ्री, थ्री बाय फोर, फोर बाय फाइव अप टू सेवन। तो इसकी जो जनरल फॉर्म बनेगी या एनर टर्म बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, एन ओवर एन प्लस वन। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पर वन पुट करें तो देखें इसकी फर्स्ट टर्म क्या आती है, एन की वैल्यू वन पुट करें तो ये बन जाएगा वन ओवर टू बन जाएगा। तो ऊपर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, वन बाय टू, ठीक है। इस तरह अगर आप एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये इसकी सेकेंड टर्म बनेगी, देखें यहाँ पर एन की वैल्यू टू पुट करें तो ये बन जाएगा टू ओवर थ्री, तो ये इसकी सेकेंड टर्म टू ओवर थ्री। इसी तरह अगर आप एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो ये इसकी थर्ड टर्म बन जाएगी थ्री बाय फोर, तो देखें ये थ्री ओ एन टू थ्री प्लस वन फोर, तो इसकी थर्ड टर्म क्या होगी थ्री बाय फोर। मीन इस अब सीक्वेंस की जो एन टर्म है वो है हमारे पास एन ओवर एन प्लस वन। इस तरह आप डी पार्ट को देखते हैं, डी पार्ट में यहाँ पर सीक्वेंस गिवन है वन फोर नाइन सिक्सटीन अप टू सेवन। तो यहाँ पर इसकी जो एन टर्म है यहाँ पर वो यहाँ पर क्या बनेगी स्टूडेंट, एन स्क्वायर बनेगी। तो अगर आप एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो देखें फर्स्ट टर्म क्या आएगी, वन आएगी। अगर आप एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो देखें सेकेंड टर्म इसकी क्या आएगी, फोर आएगी। इस तरह अगर आप एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो इसकी थर्ड टर्म हमारे पास क्या बनेगी, नाइन बनेगी, ठीक है। जो भी आप नंबर पुट करेंगे तो हमें पता है कि सीक्वेंस की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर नेचुरल नंबर्स ही पुट कर सकते हैं, ना ही हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ना ही आप कोई रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर नेचुरल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर वन पुट करेंगे तो हमें वन मिलेगा, अगर आप यहाँ पर टू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें फोर मिलेगा, देखिए इसकी सेकंड एंड फोर है, थ्री पुट करेंगे तो नाइन, फोर पुट करेंगे तो यहाँ पर सिक्सटीन बनेगा, ठीक है। तो मीन अब इस सीक्वेंस की जो एन टर्म होगी हमारे पास क्या होगी, एक्स एन विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स गिवन होंगी, जिस तरह ये पहले पार्ट में हमें ये फर्स्ट टर्म गिवन है और बाकी टर्म्स के लिए यहाँ पर जनरल फार्मूला की। तो इस मेथड को हम क्या कहते थे, इंडक्टिवली मेथड कहते थे, ठीक है, इंडक्टिवली मेथड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमें कुछ टर्म्स गिवन होती हैं और बाकी टर्म्स के लिए यानी जनरल फार्मूला या कह लें आप टेन टर्म्स के लिए बाकी के लिए हमारे पास क्या होता है, यानी एक जनरल फार्मूला होता है। तो इससे हमने क्या करनी है कि फर्स्ट फाइव टर्म्स फाइंड करनी है। तो इसके देखते हैं पार्ट ए का सोल्यूशन। यहाँ पर है स्टूडेंट्स एक्स वन हमें गिवन है वो है वन, और एक्स एन प्लस वन यानी एन प्लस वन टर्म्स के लिए, यहाँ पर अगर आप एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमें ये सेकंड टर्म यहाँ से मिलेगी, अगर आप एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से थर्ड टर्म मिलेगी। इस तरह अगर आप एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म, अगर आप एन की वैल्यू फाइव फोर पुट करेंगे तो हमें फाइव टर्म मिलेगी। हमें क्योंकि पहले टर्म तो गिवन है, बाकी टर्म्स हम फाइंड कर लेते हैं। देखें यहाँ पर एन की वैल्यू मैं वन पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, सेकेंड टर्म मिलेगी। देखिए सेकेंड टर्म कैसे आती है, यहाँ पर आप एन की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा थ्री एक्स वन प्लस वन। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है वो हमारे पास है वन है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म पुट कर लें तो ये बन जाएगा थ्री एन टू वन प्लस वन, ये बन जाएगा फोर। तो इस सीक्वेंस की हमारे पास सेकेंड टर्म क्या होगी, फोर होगी। इस तरह हम यहाँ पर थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, तो थर्ड टर्म फाइंड के लिए करने के लिए यहाँ पर हम एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, तो ये टू प्लस वन ये बन जाएगा थ्री, तो ये इसकी थर्ड टर्म आएगी। तो देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू हम यहाँ पर टू पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा थ्री एक्स टू यहाँ पर प्लस वन, तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ रही है, फोर आ रही है, तो यहाँ पर आप फोर पुट कर देंगे तो थ्री एन टू फोर ये बन जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन। तो हमें यहाँ पर थर्ड टर्म क्या मिलेगी,
थर्टी मिलेगी। तो फोर टर्म कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे। जब आप एन की वैल्यू थ्री पुट करते हैं तो ये हमें क्या मिलती है, फोर टर्म मिलती है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू थ्री आनी थी, तो थ्री एन टू थर्टीन, यानी थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, थर्टीन है। तो थर्टीन मल्टीप्लाई बाय थ्री ये क्या आता है, थर्टी नाइन आता है। तो थर्टी नाइन प्लस वन फोर्टी, तो ये इसकी हमारे पास फोर टर्म क्या आ रही है, फोर्टी आ रही है। इसी तरह फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन की वैल्यू फोर पुट करेंगे। तो जब आप एन की वैल्यू फोर पुट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलती है, फिफ्थ टर्म मिलती है। तो ये बन जाएगा थ्री एक्स की पावर थ्री एक्स फोर, देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू हम फोर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा थ्री इन टू फोर्टी प्लस वन, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर वन ट्वेंटी प्लस वन, वन ट्वेंटी वन। तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या बनेगी, वन ट्वेंटी वन बनेगी। तो हेंस द फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर वन फोर थर्टीन फोर्टी एंड वन ट्वेंटी वन। अब हम इसके सेकेंड पार्ट का देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें वाई वन की वैल्यू गिवन है, वो है हमारे पास टू है, और वाई एन प्लस वन की जो यहाँ पर जनरल फॉर्म है वो हमारे पास है वन ओवर टू एन टू वाई एन प्लस टू ओवर वाई एन। तो यहाँ पर हम एन की अगर वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमें इसकी सेकेंड टर्म मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मैंने वन पुट किया है तो ये मेरे पास क्या आ गई, सेकेंड टर्म आ गई। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स वन ओवर टू इन टू, यहाँ पर भी वन आ जाएगा और यहाँ पर भी वन आ जाएगा। तो ये वाई वन प्लस टू ओवर वाई वन, तो वाई वन हमें फर्स्ट टर्म गिवन है वो है टू, तो यहाँ पर आप टू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा टू प्लस टू ओवर टू, तो यहाँ से ये टू से टू कैंसिल, तो यहाँ पर वन आ जाएगा। तो टू प्लस वन थ्री, तो ये बन जाएगी सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी, थ्री बाय टू बन जाएगी। इसी तरह अगर हम इसकी थर्ड टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एन की वैल्यू टू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप एन की वैल्यू टू पुट करें, यहाँ से हमें ये थर्ड टर्म मिलती है, तो यहाँ पर भी टू आ जाएगा और यहाँ पर भी टू आ जाएगा एन की जगह। तो ये वाई टू यानी सेकेंड टर्म यहाँ पर हमें पुट करनी पड़ेगी, तो सेकेंड टर्म हमारे पास है थ्री बाय टू प्लस टू ओवर थ्री बाय टू, यहाँ पर हम पुट करेंगे सेकेंड टर्म। तो अब टू क्या होगा स्टूडेंट्स, अब इस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन ओवर टू इन टू थ्री बाय टू प्लस फोर ओवर थ्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आते हैं, सेवनटीन ओवर सिक्स आते हैं। तो फिर 17 क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगी हमारे पास 17 ओवर 12। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, थर्ड टर्म बन जाएगी सीक्वेंस की। इसी तरह अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो हम n की वैल्यू यहाँ पर देखें, हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पर भी 3 आ जाएगी, तो अभी यहाँ पर हमें थर्ड टर्म पुट करनी पड़ेगी। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आती है, 17 ओवर 12 आती है। तो यहाँ पर 2 ओवर 17 ओवर 12, अब 12 क्या होगा, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24 ओवर 17। तो फिर जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे टोटल टर्म को, तो ये हमारे पास बनती है 577 ओवर 204। जब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 577 ओवर 408। तो मीन ये हमारे पास यहाँ पर अब फोर टर्म आ चुकी है, फोर टर्म। इसी तरह अब हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एन की वैल्यू फोर पुट करनी पड़ेगी। जब आप एन की वैल्यू यहाँ पर फोर पुट करेंगे, यहाँ पर भी फोर और यहाँ पर भी फोर पुट करेंगे, तो यहाँ पर मीन हमें फोर टर्म पुट करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या आती है, फोर टर्म आती है, फोर टर्म। तो यहाँ पर भी हमने फोर टर्म पुट कर दी, अब क्या होगा, ये वाली टर्म क्या होगी, टू से मल्टीप्लाई होगी और ये बन जाएगा 816 ओवर 577। जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास इसका ये आंसर आएगा। तो मीन आप फिर वन को इस टर्म से और टू को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पर ये फिफ्थ टर्म हमारे पास आ चुकी है। तो हेंस द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दीज, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फाइव टर्म्स हैं इस गिवन सीक्वेंस की जो यहाँ पर गिवन है।
ठीक है। इसी तरह अब हम इसके सी पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। तो सी पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, यानी दो टर्म्स यहाँ पर हमें गिवन है, जेड वन भी गिवन है और जेड टू भी गिवन है। जेड वन क्या है वो वन है और जेड टू क्या है टू है, और यहाँ पर बाकी टर्म्स के लिए यहाँ पर जनरल फार्मूला गिवन है। तो यहाँ पर हम एन की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे, जब हम वन पुट करेंगे तो हमें इससे थर्ड टर्म मिलेगी। देखें थर्ड टर्म कैसी आती है, क्योंकि हमें फर्स्ट टू टर्म्स तो गिवन है, तो अब हमें चाहिए थर्ड टर्म चाहिए। तो एन की यहाँ पर वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, तो वन प्लस टू थ्री बन जाएगा, तो ये जेड थ्री यहाँ पर आएगा, यहाँ पर थर्ड टर्म। तो देखें यहाँ पर अगर आप वन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जेड टू, जेड टू प्लस जेड वन ओवर जेड टू माइनस जेड वन। तो जेड टू क्या है हमारे पास टू है और जेड वन क्या है वन है, ये टू प्लस वन ओवर टू माइनस वन, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर थ्री ओवर वन, ये सिंपल क्या बनेगा थ्री बनेगा। तो यहाँ पर मीन हमें थर्ड टर्म क्या मिलेगी वो थ्री मिलेगी। इसी तरह हमें फोर टर्म कैसे मिलती है स्टूडेंट, जब आप एन की वैल्यू यहाँ पर टू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा जेड फोर। जेड फोर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर एन की वैल्यू टू लिखेंगे तो ये बन जाएगा जेड थ्री, जेड थ्री प्लस जेड टू ओवर जेड थ्री माइनस जेड टू। तो जेड थ्री हमारे पास क्या आता है थ्री आता है, और जेड टू क्या आता है टू आता है, तो टू प्लस थ्री फाइव, फाइव ओवर थ्री माइनस टू यहाँ पर वन आए, तो मीन यहाँ पर हमें सिर्फ फाइव मिलेगी। तो ये इसकी फोर टर्म यहाँ पर आ चुकी है। अब रहेगी हमें हमारे पास फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा जेड फाइव, तो यहाँ पर भी जेड टर्म। तो यहाँ पर अब एन की वैल्यू अगर थ्री हो तो ये बन जाएगा जेड फोर, तो यहाँ पर जेड फोर आ चुका है और यहाँ पर जेड थ्री आएगा ओवर जेड फोर माइनस जेड थ्री, तो फाइव प्लस थ्री एट, एट ओवर टू यहाँ पर क्या आता है फोर। मीन हमने अभी फाइव टर्म्स फाइंड कर ली हैं, तो हेंस द फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर वन टू थ्री फाइव फोर, ये इसकी क्या है फर्स्ट फाइव टर्म्स। इसी तरह इसके डी पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है एस वन भी गिवन है और एस टू भी गिवन है, और बाकी टर्म्स के लिए जनरल फार्मूला चाहिए। हमें फर्स्ट टू टर्म्स गिवन है और बाकी टर्म्स के लिए ये जनरल फार्मूला। तो अब इसमें हम एन की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे तो हमें इसकी थर्ड टर्म मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर वन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। देखिए एस वन प्लस एस टू, तो एस वन हमारे पास है थ्री और एस टू क्या है फाइव, तो ये बन जाएगा एट। तो इसकी थर्ड टर्म क्या बनेगी, एट बनेगी। तो फोर टर्म के लिए हम यहाँ पर एन की वैल्यू टू पुट करनी पड़ेगी, तो ये टू प्लस टू ये फोर, एस फोर, तो ये एस फोर इसकी क्या होगी फोर टर्म होगी। तो देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा एस टू प्लस एस थ्री, यानी टू प्लस वन थ्री। तो सेकेंड टर्म हमारे पास गिवन है फाइव है और थर्ड टर्म गिवन है एट, तो फाइव प्लस एट थर्टीन, तो यहाँ पर इसकी फोर टर्म क्या होगी थर्टीन होगी। अब हम फाइंड करते हैं फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे थ्री पुट करेंगे, तो थ्री प्लस टू फाइव, तो इसकी फिफ्थ टर्म हमारे पास होगी, यहाँ पर आएगी वैल्यू थ्री और यहाँ पर आएगी फोर, तो थ्री प्लस एस थ्री प्लस एस फोर। तो थर्ड टर्म हमारे पास है यहाँ पर देख लेते हैं, वो हमारे पास है एट है, और फोर्थ टर्म हमारे पास है थर्टीन, एट प्लस थर्टीन यहाँ पर हमारे पास क्या होती है ट्वेंटी वन। तो इसकी फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आती है ट्वेंटी वन आती है। हेंस द फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर थ्री फाइव एट थर्टीन एंड ट्वेंटी वन, तो ये इसकी क्या है फर्स्ट फाइव टर्म्स। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमें वी बिलोंग्स टू आर गिवन हो, या कोई भी अगर आप नंबर लें वी बिलोंग्स टू आर, देन हमने ये प्रूव करना है कि लिमिट वी ओवर एन इज इक्वल टू जीरो, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पर टू केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस होगा ट्रिवियल केस,
ट्रिविअल केस में हम अगर बी की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करते हैं, देखें यहाँ पर अगर आप बी जीरो पुट करें तो जीरो और समथिंग जीरो, ठीक है, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स ट्रिविअल केस में यहाँ पर आएगा लिमिट एन टू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पर जो ये है सीक्वेंस, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है जीरो की, तो हमें पता है कि अगर कोई कांस्टेंट सीक्वेंस हो जिस नंबर की भी हो, यहाँ पर जीरो की सीक्वेंस है कांस्टेंट, तो वी ऑलरेडी नो ये जो कांस्टेंट नंबर की सीक्वेंस होती है वो उसी कांस्टेंट नंबर को ही कन्वर्ज करती है। मीन या यहाँ पर सीक्वेंस है जीरो की, कांस्टेंट सीक्वेंस है, मीन ये जीरो की ही कन्वर्ज करेगी, मीन इस सीक्वेंस की जीरो क्या होगी, लिमिट होगी। तो यहाँ पर हमने यही चीज प्रूव करनी थी, तो ट्रिविअल केस में ये चीज इस तरह हम प्रूव करेंगे। तो सेकंड केस में हम स्टूडेंट्स बी इज नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे, यानी अब हम यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन वन ले रहे हैं, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये हम वैल्यू अब ये केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बी इज ग्रेटर देन जीरो हो, सो फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो इज गिवन, तो अगर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो गिवन हो, देन बी ओवर सॉरी एप्सिलॉन ओवर बी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो। देखें अगर बी ग्रेटर देन जीरो है, देन दिस इंप्लाइज बी का मॉड इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, तो एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से हम ये इंप्लाइज कर सकते हैं कि एप्सिलॉन ओवर बी का मॉड ये भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर हमें ये वैल्यू कोई गिवन हो, ये वैल्यू, सो बाय अर्शमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट वन ओवर एन नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर बी का मॉड। ये हम स्टूडेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं अर्शमिडियन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें ये वैल्यू कोई गिवन हो, देन बाय अर्शमिडियन प्रॉपर्टी क्या होगा कि वन ओवर एन नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर बी मॉड, ठीक है। वी ऑल्सो हैव वन ओवर एन इज लेस देन वन ओवर एन नॉट, देखिए यहाँ पर फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल देन एन नॉट, ठीक है। अगर यहां से अगर देखें कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन नॉट हो, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें तो ये बन जाएगा वन ओवर एन इज लेस देन इक्वल देन वन ओवर एन नॉट, और बाय यूजिंग अर्शमिडियन प्रॉपर्टी वन ओवर एन नॉट ये अब लेस देन है एप्सिलॉन ओवर बी का मॉड। तो यहां से हमें ये मिलता है स्टूडेंट्स कि वन ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर बी का मॉड, ये यहां पर हमें ये वैल्यू मिलती है। लेकिन यहां पर ये वैल्यू मिल चुकी है कि वन ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर बी का मॉड फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन नॉट, अगर एन की वैल्यू, क्योंकि ये एन नॉट क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लिमिट ऑफ सीक्वेंस की, तो यहां पर हम एन लेते थे कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के के ऑफ एप्सिलॉन, तो यहां पर हम के की जगह यहां पर ये एन नॉट यूज कर रहे हैं। तो अगर एन ये एन इस वैल्यू से हम बड़ा यूज करेंगे, ठीक है, तो फिर हम स्टूडेंट्स ये प्रूफ करते हैं कि अब ये कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस माइनस लिमिट का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सीक्वेंस है इस लिमिट को क्या करती है, कन्वर्ट करती है, या इस सीक्वेंस की ये हमारे पास क्या है, लिमिट हो, ठीक है। हम प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स एन क्या कर रही है, एक्स को कन्वर्ट कर रही है सीक्वेंस। तो यहां पर देखिए यहां पर हमें क्या मिला है कि वन ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर बी का मॉड, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी का मॉड
ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें स्टूडेंट्स रीअरेंजिंग वी गेट, अगर हम इसी को रीअरेंज करें इसी चीज को, तो ये हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको दोबारा लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि वी ओवर एन माइनस जीरो का मॉड। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है हमारे पास यहां से, क्या बनता है, वी ओवर एन का मॉड। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको वी का मॉड ओवर एन, ठीक है, एन का मॉड एन ही रहेगा, तो ये लेस देन हो जाएगा अब एप्सिलॉन से। तो हमें गिवन है कि बी का मॉड ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन, तो मतलब ये हमने शो कर चुके हैं कि बी ओवर एन माइनस जीरो इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये चीज शो कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट बी ओवर एन एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू जीरो, यहां पर ये लिमिट जीरो है, तो इसलिए यहां पर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, जीरो। तो ये क्वेश्चन इस तरह हम प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, तो इसका पहला पार्ट है यहाँ पर, तो इसमें भी हमने लिमिट प्रूव करनी है कि यहाँ पर जो इस टर्म की जो या इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास जीरो है। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व दैट एन स्क्वायर इज लेस देन एन स्क्वायर प्लस वन, तो ये बात भी ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइव कहते हैं कि फाइव इज लेस देन फाइव प्लस वन, जिस तरह ये बात ट्रू है, इस तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी ट्रू है कि एन स्क्वायर इज लेस देन एन स्क्वायर प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये बनता है वन ओवर एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन ओवर एन स्क्वायर प्लस वन, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी हैव, अब यहां पर ये स्टूडेंट्स वन ओवर एन स्क्वायर प्लस वन ये लेस है वन ओवर एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अगर आप, क्योंकि ये सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, तो सीक्वेंस के लिए हम जो भी डोमेन पुट करेंगे वो हमारे पास नेचुरल नंबर ही होंगे, हम और कोई नंबर नहीं ले सकते, सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर n बिलोंग टू n लेते हैं तो ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, अगर आप इसी टर्म का, इन यहाँ पर जो टर्म है ये वाली टर्म, अगर आप इसी तरह से रोकर लेते हैं तो हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप यहाँ से n मल्टीप्लाई कर दें तो n ओवर n स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन n ओवर n स्क्वायर, फिर भी ये रिजल्ट होल्ड करेंगे। अगर आप n यहाँ पर n मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर भी ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। अगर आप यहाँ से एक n काट दें तो ये बन जाएगा वन ओवर n, तो मतलब ये होगा कि यहाँ पर कि n ओवर n स्क्वायर प्लस वन, ये अब हमें यहां से क्या मिल रहा है कि इज लेस देन वन ओवर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यहां से ये चीज हमें मिल चुकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो हमें गिवन हो, ठीक है, तो देन बाय क्लॉर्ली 2.45 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n, यानी हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा। ये हम स्टूडेंट जब हमने लिमिट पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस की, तो यहाँ पर हम के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि के कैसे हमें मिलता है, कि अगर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो गिवन हो तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, के बिलोंग्स टू एन एक नेचुरल नंबर मिलता है, सो दैट कि वन ओवर के इज लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर, कि वन ओवर के इज लेस देन एप्सिलॉन, या स्टूडेंट्स के यहां से क्या होते हैं कि इज ग्रेटर देन वन ओवर एप्सिलॉन। तो यहां से के इज ग्रेटर देन वन ओवर एप्सिलॉन से ही हमने ये वैल्यू निकाल लिया कि वन ओवर के इज लेस देन एप्सिलॉन, कि हमें अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हो तो यहां से एक नंबर हमें के मिलता है नेचुरल नंबर, सच दैट कि वन ओवर के इज लेस देन एप्सिलॉन, लेट के नॉट बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विद दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम
एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के नॉट लेते हैं देन वन ओवर एन क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें, यहां पर जो के नॉट है ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, ठीक है, कि हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें के नॉट भी मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है। कि अगर हम एन की वैल्यू इससे ग्रेटर लेते हैं तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें तो ये बन जाएगा वन ओवर एन, ये यहां पर ग्रेटर है तो रेसिप्रोकल के साथ क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, लेस देन वन ओवर के नॉट, ठीक है। और के नॉट क्या है, यहां पर देखें वन ओवर के नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर वन ओवर एन क्या होगा ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहां पर देखें स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्या मिलेगा कि वन ओवर एन इज लेस देन दिस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें अभी मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एन ओवर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस जीरो, यानी एक्स एन माइनस एक्स का मॉड विच इज इक्वल टू, अब यहां से जीरो करा इससे माइनस जीरो करें तो फिर ये टर्म मिलेगी एन ओवर एन स्क्वायर प्लस वन मिलेगा, और इसका मॉड स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा एन ओवर एन स्क्वायर प्लस वन होगा, और ये लेस देन होता है जिसके यहां पर वन ओवर एन से, ठीक है, वन ओवर एन, और यहां से हमें मिल चुका है कि वन ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन, यहां से हमने ये स्टूडेंट निकाला है कि वन ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल टर्म स्टूडेंट हमारे पास इसका मॉड क्या हो रहा है लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, यानी अगर हम ये चीज यहां पर प्रूव कर चुके हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, अगर हम ये चीज प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये सीक्वेंस है ये एक्स को क्या करेगी कन्वर्ज करेगी, हेंस लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू जीरो, तो ये चीज हम इस तरह शो करेंगे। तो जितने भी हम लिमिट्स के क्वेश्चन करते हैं तो हम यही प्रोसीजर क्या करते हैं फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट में भी हमने ये शो करना है कि लिमिट ऑफ टू एन ओवर एन प्लस वन ये हमारे पास क्या आती है टू आती है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए एन इज लेस देन एन प्लस वन ये भी होल्ड यहां पर कर रहे हैं, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो देखें यहां पर क्या आता है, इसका रेसिप्रोकल लें तो ये हमारे पास आता है वन ओवर एन, ये यहां पर लेस है तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ग्रेटर बन जाएगा, ये बन जाएगा वन ओवर एन प्लस वन। तो अगर आप यहां पर एन मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी एन मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर भी एन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एन ओवर एन इज ग्रेटर देन एन ओवर एन प्लस वन, तो यहां से ये एन कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहां से हमें मिलेगा कि एन ओवर एन प्लस वन इज लेस देन वन, तो यहां से हमें ये चीज मिलेगी स्टूडेंट्स कि एन ओवर एन प्लस वन इज लेस देन वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, विच गिव्स अस दैट कि टू ओवर एन प्लस वन, क्योंकि हमें यहां पर स्टूडेंट चाहिए टू एन ओवर एन प्लस वन चाहिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे टू यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टू ओवर टू एन ओवर यानी टू एन ओवर एन प्लस वन इज लेस देन टू बन जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड देयर फोर, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट्स ये फाइंड करना है, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि टू एन ओवर एन प्लस वन ये लेस देन टू है, फिर हम यहां पर ये करते हैं कि ये एक्स एन लेते हैं और ये एक्स लेते हैं, फिर हम यहां से आगे क्या करते हैं स्टेप नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर एक्स एन माइनस एक्स ये फाइंड करते हैं, तो यहां पर हमें एक्स एन गिवन है ये वाली टर्म टू एन ओवर एन प्लस वन, यहां पर हमें गिवन है टू एन ओवर एन प्लस वन, फिर हमें x की टर्म यहां पर है लिमिट टू है तो ये हम लेंगे, फिर आप इसको ओपन करेंगे तो इसका एल्सियम लेंगे n प्लस
वन बनेगा, तो ये बन जाएगा टू एन, फिर माइनस टू एन माइनस टू, फिर आप लेंगे इसका मॉड लेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखें ये टर्म कैंसिल, तो ये बन जाएगा माइनस टू ओवर एन प्लस वन का मॉड, तो ये सिंपल यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें टू ओवर एन प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास है कि अब हमें ये टर्म यहाँ पर लेंगे टू ओवर एन प्लस वन, ठीक है, यहाँ पर देखिए टू ओवर एन प्लस वन ये टर्म है। तो यहाँ पर अगर आप माइनस लिखना चाहें तो अगर आप यहाँ पर मॉड लेंगे तो फिर ये माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाए, यहाँ पर हमें से ये मिलेगा टू ओवर एन प्लस वन, ठीक है। अगर आप सिंपल लिखते हैं विदाउट मॉड फिर ये माइनस यहाँ पर आ गई, ठीक है। एंड टू ओवर एन प्लस वन इज लेस देन टू ओवर एन, ठीक है, लेकिन टू ओवर एन प्लस वन ये लेस देन होगा टू ओवर एन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से हमें ये टर्म मिली कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड विच इज इक्वल टू टू एन ओवर एन प्लस वन माइनस टू का मॉड इज लेस देन टू ओवर एन, ठीक। तो यहां से ये आना था स्टूडेंट्स लेस देन एप्सिलॉन आना था। अब हमें एप्सिलॉन की कौन सी वैल्यू चाहिए कि ये टोटल टर्म के एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो यहां पर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन टू ओवर एन, ठीक है। यहां से स्टूडेंट्स हमें ये चाहिए कि जो भी हम एन लेंगे यहां पर वन ओवर एन ये लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन बाय टू से, यानी यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, यहां पर वो हमारे पास होगी स्टूडेंट्स कि क्या वैल्यू पुट करें कि ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो यहां पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा टू ओवर एन, ठीक है, यहां पर हमें एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, ये हमें पुट करनी पड़ेगी टू ओवर, यहां पर पुट करनी पड़ेगी टू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो जब आप टू बाय एप्सिलॉन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन बाय टू, तो टू से ये टू कैंसिल, तो मीन यहां पर हमें जो एन की वैल्यू होगी वो होगी ये एल, एन की वैल्यू यहां पर हमें स्टूडेंट पुट करनी पड़ेगी एन इज लेस देन टू बाय एप्सिलॉन। तो अगर हम एप्सिलॉन की ये वैल्यू पुट करते हैं एन की वैल्यू यहां पर यानी टू ओवर एन में, क्योंकि ये लेस वाली है एन भी क्या यहाँ पर होगा ये लेस वाली कंडीशन भी होगी टू ओवर एप्सिलॉन। अगर हम एन की वैल्यू लेस देन टू ओवर एप्सिलॉन पुट करते हैं ये टोटल जो एक्स एन माइनस एक्स का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो हमें यहाँ पर एप्सिलॉन की या एन की वैल्यू ये चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, तो बाय क्लॉरली 2.45 देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन सच दैट कि वन ओवर के इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम ये ले रहे हैं एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन बाय टू, कि वन ओवर के इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, क्योंकि देखें एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन जीरो है तो एप्सिलॉन बाय टू भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये यहां एप्सिलॉन की अब हम वैल्यू ये चूज कर रहे हैं कि एप्सिलॉन बाय टू, अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू ये चूज करते हैं देन हमें फिर एन की वैल्यू यहां से मिलेगी टू ओवर एप्सिलॉन मिलेगी लेस देन, ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन की ये वैल्यू चूज करते हैं देन हमें एन इज लेस देन टू ओवर एप्सिलॉन मिलेगा, फिर हमें ये वैल्यू मिलेगी एन की जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये टोटल हमें ये टर्म्स क्या मिलेगी ये टोटल टर्म लेस देन एप्सिलॉन मिलेगी। तो अगर हमें ये टोटल टर्म लेस देन एप्सिलॉन मिलती है इसका मतलब होगा कि इस सिक्वेंस की टू क्या होगी लिमिट होगी। देखिए लेट के नॉट बी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विद दिस प्रॉपर्टी, थस इफ एन इज ग्रेटर देन के नॉट देन वन ओवर एन इज लेस देन इक्वल देन वन ओवर के नॉट। तो हमें पता है कि
जो के नॉट है, वन ओवर के नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय, ये मिलेगा हमें स्टूडेंट यहाँ पर एप्सिलॉन बाय टू मिलेगा। ठीक है, यानी यहां से हमें क्या मिल रहा है कि वन ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। ठीक है, तो यहां से अगर हम एन फाइंड करना चाहें तो देखिए स्टूडेंट यहां पर हम ये यहां से हम एन फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये यहां पर ले आए तो ये बन जाएगा वन ओवर एप्सिलॉन इज लेस देन एन ओवर टू। तो सिंपल आप एन फाइंड करने जाते हैं तो इस टू को ऊपर ले आए तो ये सिंपल बन जाएगा एन यानी सॉरी टू ओवर एप्सिलॉन इज लेस देन एन, या हम कह सकते हैं कि एन यानी ठीक है यहाँ पर ये वैल्यू मिल चुकी है ये वैल्यू। ठीक है, यहां से हमारे पास कि वन ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू है विच गिव्स अस दैट टू ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहां से हमें ये वैल्यू मिली है कि टू ओवर एन यानी हमें क्या मिला है कि वन ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। तो यहां से हम ये कह रहे हैं कि टू ओवर एन, ठीक है यहां पर ये वैल्यू कि टू ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन ये वैल्यू, एंड देयर फोर टू एन ओवर एन प्लस वन माइनस टू का मॉड विच इज इक्वल टू माइनस टू ओवर एन प्लस वन का मॉड विच इज इक्वल टू टू ओवर एन प्लस वन। तो हमें पता है स्टूडेंट्स के टू ओवर एन प्लस वन इज लेस देन टू ओवर एन, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कि टू ओवर एन प्लस वन इज लेस देन टू ओवर एन, तो टू ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें टोटल टर्म्स मिल चुकी है कि ये अब लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो मीन इसकी लिमिट क्या होगी, हमारे पास टू गिवन होगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस चीज को सॉल्व किया था, जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां से हमें एन की वैल्यू लेस देन टू और एप्सिलॉन पुट करनी पड़ेगी। जब हम एन की वैल्यू यहाँ पर टू एप्सिलॉन पुट कर देते तब भी हमें ये टर्म्स लेस देन एप्सिलॉन मिल रही थी। तो इस केस में भी हमें ये मिल रही थी, तो जब हमने इसको इस तरह सॉल्व किया तब हमें ये लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है। तो दोनों केसेस में हमें ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है, तो मेन इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या टू होगी। तो ये प्रोसीजर होता है कि हम किसी भी सीक्वेंस की लिमिट को इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट यहाँ पर कि हमने ये प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ थ्री एन प्लस वन ओवर टू एन प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री बाय टू। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं देखें, ऑब्जर्व दैट ये देखें यहां पर ये सीक्वेंस है माइनस लिमिट, ये अब किसके इक्वल आता है देखें। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फोर एन प्लस टेन होगा, ये फोर एन प्लस टेन इसका एलसीएम आ गया, यानी इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि यहां पर लिख लें एलसीएम यहां पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है टू एन टू टू एन प्लस फाइव आर। तो अगर आप टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म बन जाएगी फोर एन प्लस टेन बन जाएगी, तो फिर स्टूडेंट यहां पर आ जाएगा सिक्स एन प्लस टू आ जाएगा यहां पर ये वैल्यू ये बन जाएगी सिक्स एन प्लस टू बन जाएगी, और फिर ये माइनस स्टूडेंट यहां पर क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, फिर हमारे पास यहां से ये थ्री के साथ टू एन प्लस फाइव ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ये बन जाएगा सिक्स एन प्लस सिक्स एन यहां लिख सकते हैं सिक्स एन माइनस बन जाएगा फिफ्टीन। इस माइनस की वजह से यहां पर प्लस आना था, तो हमने देखिए यहां पर आता है प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से हमने यहाँ पर टोटल ये माइनस फिफ्टीन कर लिया है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये सिक्स एन से सिक्स एन कैंसिल, तो ये माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन ओवर क्या आता है फोर एन प्लस टेन, तो ये अब हमारे पास ये होगा लेस देन जीरो वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है
तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो होती है, ये टोटल लेस देन यहाँ पर क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर ये तो लेस देन जीरो है, यहाँ पर ये चीज होगी। अब वो कह रहा है कि 13 ओवर 4n प्लस 10 ये लेस देन है 13 ओवर 4n से, और 13 ओवर 4n ये लेस है 16 ओवर 4n से, ठीक है। यानी ये वैल्यू अब लेस देन है 16 ओवर 4n से, 4n से। यहां से अगर आप 4 को यहां से कैंसिल करें तो ये बन जाएगा 4 ओवर n। तो मीन यहां पर ये मतलब हुआ कि 13 ओवर 4n प्लस 10 इज लेस देन 4 ओवर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां से हमें ये चीज मिल चुकी है। तो गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बाय क्लॉरली देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n साइज दैट k 1 ओवर k इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4, ठीक है। यहां पर हमें एप्सिलॉन की अब वैल्यू हमें चूज करनी पड़ेगी एप्सिलॉन बाय 4, ठीक है। देखें यहां पर हमने ये स्टूडेंट्स किया है कि जब आपने ये चीज फाइंड की 3n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 5 माइनस 3 बाय 2, इसका मॉड हमारे पास क्या आएगा, ये लेस देन आएगा देखें 4 ओवर n, ठीक है 4 ओवर n से। तो यहां पर हमें n की क्या वैल्यू चूज करनी पड़ेगी कि ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। यहां पर हमें n की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी 4 ओवर एप्सिलॉन चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जब n की वैल्यू ये चूज करेंगे तो ये एप्सिलॉन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लेस देन 4 एप्सिलॉन ओवर 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल, तो अब ये बन जाएगी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसलिए यहां पर स्टूडेंट्स हमने 4 ओवर एप्सिलॉन चूज किया है, क्योंकि यहां पर हमें n की वैल्यू चाहिए, n इज लेस देन चाहिए स्टूडेंट, यहां पर 4 ओवर एप्सिलॉन चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 ओवर n, ठीक है। अगर आप यहां पर इसका रेसिप्रोकल लें तो ये 1 ओवर n इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 4, या हम कह सकते हैं कि ये चीज हमें मिल जाएगी यहां पर, तो हमें ये चाहिए कि n इज लेस देन 4 ओवर एप्सिलॉन। तो यहां से स्टूडेंट्स हमने इसलिए ये 4 बाय एप्सिलॉन चूज किया है कि 1 ओवर k इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। लेट k नॉट बी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विद दिस प्रॉपर्टी, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k नॉट, तो यहां से मिल जाएगा हमें 1 ओवर n इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर k नॉट, और हमें पता है कि 1 ओवर k नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। यहां से हमें ये मिल जाएगा कि 1 ओवर n इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4, ठीक है। ये हमें यहां पर वैल्यू मिलेगी। देखिए यहां पर ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 ओवर n, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर आप 4 को इस यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4 ओवर n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए यहां पर हमें यही मिल चुकी है। देखिए ये रिजल्ट आता था कि ये 13 ओवर 4n प्लस 10 ये लेस देन आता है 4 ओवर n से, तो यहां से हमें मिल चुका है कि 4 ओवर n इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 3n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 5 माइनस 3 बाय 2 का मॉड विच इज इक्वल टू माइनस 13 ओवर 4n प्लस 10, तो ये माइनस अब मॉड की वजह से प्लस हो जाएगी, तो ये मॉड कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 13 ओवर 4n प्लस 10, और हमें पता है कि 13 ओवर 4n प्लस 10 ये लेस देन होता है 4 ओवर n से, और यहां से हमने ये निकाला कि 4 ओवर n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये टोटल वैल्यू अब क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर ये टोटल वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब होगा कि इस टर्म की जो या इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, 3/2। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमें अपनी ये फाइंड करना है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 2 है।
तो इसके लिए हम ये शो करेंगे कि एन स्क्वायर माइनस वन ओवर टू एन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन ओवर टू इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज हम शो करेंगे। अगर हम ये चीज शो कर लेते हैं इसका मतलब होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, वो वन बाय टू। देखिए ऑब्जर्व दैट एन स्क्वायर माइनस वन ओवर टू एन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन ओवर टू ये किसके इक्वल आते हैं। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लें तो ये हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आता है टू एन टू टू एन स्क्वायर प्लस थ्री, ये एलसीएम आता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे टोटल तो फिर ये हमारे पास बनेगा माइनस फाइव ओवर फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स, ये लेस देन जीरो होता है, और फाइव ओवर फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स ये लेस देन होगा फाइव ओवर फोर एन स्क्वायर से, और ये टर्म फाइव ओवर फोर एन स्क्वायर ये लेस देन होगा फाइव ओवर फोर एन से, और हमें बताया कि फाइव ओवर फोर एन इज लेस देन फाइव ओवर एन, यानी ये हमें यहां से ये टोटल टर्म मिलेगी स्टूडेंट्स लेस देन फाइव ओवर एन से। तो अब हमने ये शो करना है कि फाइव ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर हम ये चीज शो कर लेते हैं कि फाइव ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन फिर ये क्या चीज हो जाएगी, ये चीज होल्ड हो जाएगी। देखें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो बाय क्लियरली देयर एग्जिस्ट एन के बिलोंग्स टू एन साइड दैट के वन ओवर के इज लेस देन एप्सिलॉन बाय फाइव, ये हम अब यहाँ पर चूज कर रहे हैं इसी फाइव ओवर एन की वजह से। यहाँ पर हम ये चूज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा कि फाइव एप्सिलॉन ओवर फाइव होगा वन ओवर के इज लेस देन, अगर के नॉट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है विद दिस प्रॉपर्टी थस एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के नॉट देन वन ओवर एन इज लेस देन इक्वल देन वन ओवर के नॉट, और हमें पता है कि वन ओवर के नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर फाइव। तो यहां से हमें ये मिला है स्टूडेंट्स के वन ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर फाइव। तो यहां से हम यहां पर अगर आप देखें तो अगर आप फाइव को यहां पर वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा फाइव ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये हमें अब वैल्यू मिल चुकी है। देखिए फाइव ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन ये हमें वैल्यू मिल चुकी है, इसका मतलब ये होगा कि एन स्क्वायर माइनस वन ओवर टू एन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन ओवर टू का मॉड विच इज इक्वल टू माइनस फाइव ओवर फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स का मॉड, अब ये इक्वल होगा। देखें ये मॉड जब आप इसका ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा फाइव ओवर फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स, और हमें पता है कि फाइव ओवर फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स ये लेस देन होता है फाइव ओवर एन से, ये फाइव ओवर एन, और यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाल ली कि फाइव ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमें अब ये टोटल वैल्यू मिल चुकी है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो अब हमें ये जब हम ये शो कर देते हैं कि ये टोटल वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, वन बाय टू। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।